मोदी सरकार के खिलाफ दलित और आदिवासी सड़क पर उतरे। 13 पॉइंट रोस्टर रद्द करने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन। जमीन पर हक के लिए आदिवासियों का भारत बंद। बिहार, झारखंड और पूर्वी यूपी में दिखा जबरदस्त असर। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी भारत बंद में हुई शामिल। कार्यकर्ताओं का गुस्सा सरकारी बैनर और होर्डिंग्स पर निकला। वाराणसी में काशी विद्यापीठ को छात्रों ने कराया बंद। रोडवेज की बसों को रोका। दलित हित की उठी आवाज। अखिलेश ने 13 पॉइंट रोस्टर का किया विरोध। शिक्षण संस्थानों में दलितों और पिछड़े वर्ग की अनदेखी का केंद्र पर लगाया आरोप। आदिवासियों और दलितों की मांग को कांग्रेस का समर्थन। जंगलों पर पहला हक आदिवासियों का। पीएम पर झूठे वादे का आरोप। पाकिस्तान की नौसेना का दावा, भारतीय पनडुब्बी पाकिस्तानी जल क्षेत्र में आई नजर। जारी किया वीडियो। आतंकी हमले को हादसा बताने पर बिना नाम लिए प्रधानमंत्री का दिग्विजय पर तंज। कहा यही है इनकी मानसिकता। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह का दिग्विजय सिंह पर जवाबी हमला। पूछा, राजीव गांधी की हत्या आतंकी हमला थी या हादसा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर का तीखा प्रहार। कहा दिग्विजय को तमीज नहीं। तभी पुलवामा आतंकी हमले को बताया दुर्घटना। एसपी और आरएलडी में सीटों का समझौता। अखिलेश यादव ने अपने कोटे से आरएलडी को दिए 3 सीट। एयर इंडिया का नया आदेश, विमान के केबिन क्रू को हर उड़ान की घोषणा के बाद कहना होगा जय हिंद। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का पलटवार। कहा पाकिस्तान की भाषा बोल रही है महबूबा मुफ्ती। लखनऊ में चेकिंग के दौरान सिपाही को बदमाशों ने गोली मारी। भागते वक्त दबोचा गया एक अपराधी। मुरादाबाद में स्कूली बच्चे के बैग में धमाका। तेज आवाज की वजह से मची अफरा तफरी। पुलिस जांच में जुटी। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। एक बदमाश जख्मी, दूसरा फरार। गाजीपुर में हरिकेश राजभर मर्डर में अहम खुलासा। पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा। आरोपी ने बेटी पर बुरी नजर रखने पर की थी हत्या। मेरठ में लड़की को अगवा कर गैंगरेप। वीडियो बनाकर पीड़िता को ब्लैकमेल करने का आरोप। पुलिस पर एफआईआर न दर्ज करने का आरोप। हापुड़ में छेड़छाड़ का विरोध करने पर नाबालिग लड़की की गोली मारकर हत्या। आरोपी गिरफ्तार। बुलंदशहर में ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर आरोपी को छुड़ाया। 12 पर केस दर्ज, 6 गिरफ्तार। मैनपुरी में 8 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी चाचा को किया गिरफ्तार। कानपुर देहात में संविधान बचाओ समिति ने नेशनल हाईवे किया जाम। पथराव में पुलिसकर्मी घायल, कई गिरफ्तार। गोंडा में रिवाल्वर लहराते युवक का वीडियो वायरल। मामूली विवाद के बाद हथियार दिखाकर धमकी। प्रयागराज में श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में गिरी। हादसे में 40 से ज्यादा घायल। उत्तरकाशी में थमने का नाम नहीं ले रही है बर्फबारी। 5 से 7 फीट तक जमी बर्फ।